फ्री थिंकर जी बड़ी देर के बारे में फ्री थिंकर जी हेलो हरीश भाई कहना चाहेंगे uh, एक बड़ा ही क्विक सा क्वेश्चन था मेरा नॉर्मली uh, इस्लाम में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है तकिया उस पर आप जरा थोड़ी रोशनी डालें उसका क्या मतलब होता है देखिए तकिया शिया ये कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है ये शिया सोर्सेज में कहा गया है कि क्योंकि शीयों के ऊपर अब मेरे पास रेफरेंसिस एग्जैक्टली नहीं है लेकिन ये एक बिल्कुल फजूल सी फजूल सा आर्ग्यूमेंट है जो ये लोग कह देते हैं ना तकिया कर रहा है ये तकिया है ये, कोई बात इन्हें मुसलमानों की पसंद नहीं आए तो कहते हैं मुसलमान ये तकिया कर रहे हैं ये बकवास है ऐसे नहीं होता ऐसे कोई नहीं तकिया एक शियो का कॉन्सेट है क्योंकि शीयों को एक विक्टिमाइजेशन का कॉम्प्लेक्स रहा है बल्कि नहीं उनके साथ हुआ भी है शीयों को मारा गया तो शियों के एक माम ने उनकी आ, उनकी रेफरेंस बुक्स में है कि अगर आप के जान को खतरा है तो आप झूठ बोल के अपनी जान को बचा सकते हैं ये एक बुखारी के इसमें हदीस है कि अगर कोई आपको अपोस्टसी के लिए मजबूर करता और आप डेथ अपनाते हो तो उस बंदे के लिए ज्यादा अच्छा है तो इसमें तो खैर वो भी नहीं है हाँ, अगर कोई बंदा आपको मजबूर करता है कि आप उस खंजीर खा लो शराब पी लो तो आप वो चूज कर लो कि आप डेथ करो करोस्टी पे नहीं उन्होंने कहा कि तकिया करो तो ये 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 उस तरह की लॉजिक दी हुई है जिसका इसका नाम इन्होंने तकिया रखा हुआ जी कुरान में मुझे नहीं याद पड़ता कि कुरान में इसका कोई रेफरेंस है वैसे नॉर्मली मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा कि ग, 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 जब अगर आप किसी भी मुसलमान को जैसे इंडिया में ज़्यादा वेव चली हुई है कि yeah, उस में जब मुसलमान वो अनवांटेड किस्म की जो या आयात है जब वो कोट नहीं करते या उनको तोड़ मरोड़ के कोट करते हैं तो नॉर्मली एक कहा जाता है देखो तकिया कर रहा है तकिया कर रहा अब है <laughs> <laughs> ये ऐसे अगर कोई 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 मुसलमान अपने दिल से कह रहा होता है कि इस्लाम एक अमन पसंदी का मजहब है ये मुसलमानों की भूल है लेकिन वो सच्चे दिल से कह रहा होता तो ये है वो तकिया की वर्ष ये चैप्टर थ्री वर्ष ट्वेंटी एट सरा अठाईस में आया था कि द बिलीवर्स मस्ट नॉट टेक द डिस बिलीवर्स एज फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ द बिलीवर्स तो ये वो आया था हाँ ये बड़ी मशहूर आया था कि भाई मोमिनों को काफरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए

ये है वो तकिया वाली जिस जिसपे लोग इसको कहते हैं कि ये जो है ना ये आपने यहां पे झूठ बोला सिर्फ ये आपने काफ़रों से दोस्ती करनी है ड्रामेबाजी के लिए अपने आपको बचाने के लिए तो यहां से और, और ये और ये मोस्टली डिटेल में शियो ने इसमें लिखा हुआ है इसका ट्वेल्वर जो उनका ट्वेल्व इमाम है उसने ज्यादा डिटेल में कहा हुआ कि अगर तुम्हारी सुन्नी भी तुम पे जूम कर रहे हो तो यू uh, नो you know, उनके साथ दोनों अपनी जान बचाने के लिए उनसे दोस्ती कर लो फिर इसका नाम था किया uh, इसी वर्स को देख के एक छोटा सा अनरिलेटेड सा क्वेश्चन अन आया आई थिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक बट आल्सो अनरिलेटेड सो आई विल गो अहेड एक बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड आपने पढ़ी होगी काफी मशहूर किताब है इज uh, इज um, hmm, नहीं ये वो उसकी तर, नहीं नो आई नो आई डोंट थिंक आई नहीं, मैंने नहीं uh, it's, it's उसमें, उसने कहाती है हैं वो दो, दो जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर है यानी अगर आप ये प्रोडिक्शन करें कि कल बारिश होगी मौसम कैसा होगा तो आपके कुछ भी कहने से उस प्रडिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बारिश होनी है तो होगी राइट right. दूसरी है लेवल टू प्रोडिक्शन जिसमें

हनूद और यहूद, आ, यहूद, हनूद और यहूद का सकता हालांकि नहीं है में। <laughs> तो, लेकिन था, तो उन्होंने हिंदू इंडिया से उनकी नफरत है तो हिंदू को घुसेड़ना था बीच में यहूदी तो है ही है हिंदू को उन्होंने घुसेड़ना था तो ये मैंने सुना हुआ था यू नो कुछ लोगों को हमने तो नहीं सुना ऑब्वियसली ये सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं हर कोई नहीं सुनता होता उनको बढ़िया

करना करते हैं ना ये वो उनको, उनकी एक और क्वेश्चन है लेकिन मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकू